नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव के इन दिनों के संबंधों को लेकर। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में लालू यादव के बिहार आने की कवायद तेज हो गई है। लालू यादव पिछले दिनों सिंगापुर से दिल्ली पहुंचे, ऐसे में राजद नेताओं को अपने नेता के बिहार आने का इंतजार है। राजद नेता और उनके कार्यकर्ता को इस बात का भान है कि नेता के बिहार आने के बाद से सत्ता की कुर्सी अब तेजस्वी यादव के पास जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि अगला विधानसभा का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि राजद नेता इतने दिनों तक इंतजार करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे और वे लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ऐसे में लालू यादव से अब पार्टी को यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लालू यादव इस ओर आगे ठोस कदम उठाएंगे। इसके बाद ही लालू यादव नीतीश कुमार के द्वारा किए गए नियुक्तियों में भी इतने खुश नहीं हैं। बता दें कि पिछले दिनों जो सरकार की नियुक्तियां हुई उसमें राजद खुश नहीं है, लालू यादव खुश नहीं है। चाहे वह बिहार के पुलिस प्रमुख हों या फिर बिहार के महाधिवक्ता हों, इन दोनों ही नियुक्तियों में लालू यादव खुश नहीं है। राजनीतिक जानकार की माने तो बिहार पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में लालू यादव से सलाह नहीं ली गई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार के प्रशासनिक तंत्र पर लालू यादव या फिर राजद की पकड़ कमजोर है, जहां पर नीतीश कुमार अपने मन से नियुक्तियां कर रहे हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार के इस कार से नाराज दिख रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार डीजीपी की नियुक्ति और महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत नहीं हुई। हालांकि राजद के नेता कई बार इस बात को कह चुके हैं कि प्रशासनिक तंत्र पर उनकी पकड़ कमजोर है या फिर कहें कि उनका कोई सुनता ही नहीं है। एक बात तो हर कोई कह रहा है कि बिहार सरकार के मंत्रियों के बंटवारे में भी राजद कोटे के मंत्रियों को इग्नोर किया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके पसंद के अधिकारी उन्हें नहीं दिए गए हैं। सियासी जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके पास सड़क निर्माण का भी जिम्मेवारी है, लेकिन तेजस्वी को भी उनके पसंदीदा अधिकारी नहीं मिले हैं। बता दें कि इन दोनों विभागों की जिम्मेवारी प्रत्यय अमृत के पास है। इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार के खास हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ही इस सरकार में सब कुछ है। राजद के नेताओं की कहीं नहीं चल रही है, हर जगह जदयू के लोग अपना काम करवा ले रहे हैं। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि लालू यादव इन सभी मुद्दों पर कड़ा एक्शन बिहार आने के बाद ले सकते हैं। राजनीतिक जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि राजद आरएस भट्टी को पुलिस महानिदेशक नहीं बनाना चाह रही थी, वे वरिष्ठ अधिकारी आलोक राज को इस पद पर बैठाना चाहते थे। साथ ही साथ पिछले दिनों बिहार के महाधिवक्ता की नियुक्ति हुई, इस नियुक्ति में भी राजद की नाराजगी थी। नाराजगी क्यों है? क्योंकि साल 2013 में लालू यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चारा घोटाला मामले में एक जज निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वे नीतीश कुमार के करीबी पी के शाही के रिश्तेदार थे। ये तो बात हुई नीतीश कुमार और लालू यादव के सरकार की हिस्सेदारी को लेकर। अब बात कर लेते हैं समाधान यात्रा को लेकर। नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह समाधान यात्रा वन मैन शो है, यानी कि सिर्फ नीतीश कुमार इस शो को देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बाकी किसी भी व्यक्ति की हिस्सेदारी इसमें नहीं है। ऐसे में यह राजद और लालू यादव के लिए खटक रहा है। लालू यादव बिहार आते ही सबसे पहले जो काम करेंगे वह है विपक्ष को एकजुट करने का, क्योंकि 2025 के चुनाव की तैयारियों में वे जुटने वाले हैं। लालू यादव के सामने एक बड़ा सवाल है सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का। तो कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह को बुलाकर वो समझाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार जदयू और राजद के विलय और डील की बात कह रहे हैं, उसमें भी वे एक ऐसा जवाब देंगे जिससे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि लालू यादव बिहार आने से पहले अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर लिए हैं, बिहार आते ही वे एक्शन में आ जाएंगे। ऐसे में अब देखना है कि इन सब के बीच में नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका इंतजार हमको और आप हर सबको है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के बाद राजनीतिक जानकार तो यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। उस दिन का इंतजार हम और आप करते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।